हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो एक नए सेटअप के साथ आप सभी का हम वेलकम करते हैं न्यूक्लियाई के लेक्चर नंबर 6 में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आप जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माई नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल चैनल फिजिक्स वाला। तो हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या होता है ये? पहले न्यूक्लियर फिशन समझते हैं, फिर रिएक्टर की बात करेंगे। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर फिशन सबको पता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस दो में टूटता है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, थोड़ा नया सेटअप है, चीजें थोड़ी नई है, मार्केट थोड़ा भी धीमा चल रहा है, अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर बोल लो या लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, एक हैवी न्यूक्लियस होगा, अनस्टेबल होगा डेफिनेटली, वो टूट के दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई बना लेगा, ठीक है, टूट के दो छोटे छोटे पार्ट या तीन छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो छोटे छोटे टूट के बनते हैं उनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, बाप की बेटी, लड़कों का कोई वैल्यू नहीं है, इसको जैसे बोलेंगे पेरेंट, ठीक है, और ये टूट के जो छोटे छोटे दो बना है तीन बना है इसको बोलते हैं डॉटर, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस से बनती हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई मतलब एक से ज्यादा, दो बने तीन बने। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात सुनो जरा, दो ही क्यों बनाते हैं? ऐसा देखा गया कि मोस्ट ऑफ द फिशंस आर बाइनरी, ज्यादातर जो फिशन मिले वो बाइनरी थे, यानी दो ही बनते थे मैक्सिमम टाइम। 4 out of 1000 फिशन आर टर्नरी, यानी अगर 1000 फिशन हुए, 1000 हैवी न्यूक्लियस टूटे, तो उसमें से कोई चार ही न्यूक्लियस होंगे जिनसे तीन न्यूक्लियाई बन रही होंगी, ज्यादातर दो ही बनता है, बाइनरी फिशन सबसे ज्यादा दिखाई दिया हमें नेचर में, है ना। 1000 फिशन जब होंगे तो उसमें से कोई चार फिशन होंगे जिसमें तीन न्यूक्लियाई बन रहे हैं। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात सुनो, द डॉटर न्यूक्लियाई, लड़कियां एकदम खुश, फेमिनिज्म चरम सीमा पे, द डॉटर न्यूक्लियाई आर ऑफ कंपेरेबल साइज, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं एग्जैक्टली सेम नहीं बट कंपेरेबल साइज के होते हैं, छोटे छोटे कंपेरेबल साइज के, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर फिजन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता हो आपने किताब में पढ़ी, हो सकता हो ना पढ़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्पॉन्टेनियस फिशन आप कहीं देख रहे हो, नेचुरल फिशन आप देख रहे हो, तो वो असल में और कुछ नहीं, वो रेडियो एक्टिविटी है। क्या बोले सर? रेडियो एक्टिविटी है। देखो, लोग पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिविटी अलग चीज है, फिशन फ्यूजन अलग चीज है। सर, कहीं अपने आप किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकला और बचा हुआ डॉटर न्यूक्लियाई है, तो कितने पार्टिकल हो गए? दो हो गए कि नहीं? मान लो किसी न्यूक्लियस ने अल्फा इमिशन किया, तो उसमें से अल्फा निकला और साथ में डॉटर न्यूक्लियाई जो बचा हुआ, तो दो पार्ट हो गए ना, बाइनरी फिशन। तो जो स्पॉन्टेनियस फिशन है, जो नेचर में खुद से हो रहा है, वो रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी इज अ फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस फिशन। एक बड़ा सा हमारे पास न्यूक्लियस था, उसमें से न्यूट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, बीटा निकल गया, और साथ में एक न्यूक्लियस बचा रह गया भाई, जो उसका रिमेनिंग पार्ट था। अच्छा, जो इंड्यूस्ड फिशन है, ये भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब अपने आप नहीं होते, थोड़ा सा बस चालू कर दो फिर होने लगता है,
ना स्पॉन्टेनियस की असली डेफिनेशन पता है नहीं, क्लास 11 पढ़ी थी। इसको बस स्टार्ट करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है। तो इंड्यूस्ड फिजन होते हैं ये वाले जो आपको पढ़ने हैं, है ना। ये आर ईदर इंड्यूस्ड बाय प्रोटॉन या इंड्यूस्ड बाय अल्फा पार्टिकल या इंड्यूस्ड बाय, दिख रहा है यहां तक बोर्ड, न्यूट्रॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही अपने सिलेबस में यही अपने को पढ़ना है। फिजन इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन के कैमरे में दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल साफ साफ, इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन, हमें यही वाला फिजन पकड़ना है, इसी को समझना है। अपने आप पेरेंट न्यूक्लियस टूट के दो पार्ट में नहीं बटेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। उसके अंदर एक न्यूट्रॉन डाल देंगे, खलबली मच जाएगी और वो टूट के मैक्सिमम बार दो पार्ट में टूटेगा, विच आर ऑफ कंपेयर। क्यों होता है ये, क्यों अनस्टेबल, अभी आगे सब आएगा, धीमे 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 समझते जाते हैं, नोट कर ले इतना। एक एग्जांपल लेंगे हम इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन का और उसी एग्जांपल से पूरा फिजन समझना है हमें। हमारे सिलेबस में वही एग्जांपल है, वही न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होगा। मिटा रहे, फिजन समझ में आ गया। बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाएगा, जो बनते हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई, जो टूटता है वो पेरेंट न्यूक्लियस। तोड़ने का तरीका क्या है, या तो प्रोटॉन डाल दो इसके अंदर, अल्फा डाल दो, या न्यूट्रॉन। हम न्यूट्रॉन से पढ़ेंगे। नेचर में जो अपने आप हो रहा है वो रेडियो एक्टिविटी, और उसका रेट बहुत कम होता है, रेट इज वेरी लो, तो ये ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता। ऐसा नील बोहर ने बताया था कि ये ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता। मिटाए, पॉज करके नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो अभी तो मैं एक टॉवेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ बोर्ड मिटाने के लिए भी। अ न्यू प्लेस, अ न्यू सेटअप, इसके बारे में बात करेंगे कभी लाइव चैट वेट में। आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। तो एक एग्जांपल लेंगे हम फिजन इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन का, ठीक है। प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं फिजन इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन का, और उसकी इक्वेशन वगैरह भी समझेंगे। कि मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यूरेनियम का है, 235 यानी इसके अंदर 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अंदर 235 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, खुशी से बैठे हैं, रेडियो एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, अनस्टेबल तो है ये इतना हैवी न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, हमने एक न्यूट्रॉन लिया और न्यूट्रॉन इसके अंदर दे मारा, इस न्यूट्रॉन को थोड़ा हम काला बनाते हैं, ये भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है भाई। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यूरेनियम का न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, 235 टोटल नंबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। हमने एक न्यूट्रॉन लिया और इस पे तेजी से दे मारा, ठीक, बहुत तेज नहीं मारना है, धीमा भी, बहुत तेज मारोगे तो बाहर निकल जाएगा, है ना। जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं तो कैरम में ऐसे गोटियां बीच में सजी होती हैं, और जो स्ट्राइकर होता है उसको थोड़ा धीमे मार देना, बहुत तेज मारते तो क्या होता है, सटके से मार के चला जाता है ना, धीमे थोड़ा कि अंदर घुसे और जाके सबको बिखेर दे। बहुत तेज मारोगे तो एक को मार के सीधी लाइन में चला जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, यहाँ से सब हटेंगे, सीधा चला जाएगा। मान लो बहुत तेज आते सब कहेंगे हटो हटो हटो, ये चला गया, थोड़ा धीमे भी। तो एक्चुअल में जो इसकी एनर्जी होती है बच्चों, ये एक थर्मल न्यूट्रॉन यूज किया जाता है, लिख ले सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक थर्मल न्यूट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। थर्मल मतलब जो अगल बगल के नेचर से एनर्जी लेकर जितनी उसकी स्पीड हो, अगल बगल सराउंडिंग में एनर्जी है, टेम्परेचर है, काइनेटिक थ्योरी पड़ी है कि टेम्परेचर होगा तो इसके पास एनर्जी आएगी, तो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा कम एनर्जी का चाहिए, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम बन सकता है, उससे ज्यादा में काम नहीं बन पाएगा, ये भी समझो भाई, बहुत तेज आएगा तो निकल जाएगा ना, ठीक है। तो आया इसके अंदर, अब आया तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा न्यूक्लियस का भाई, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, जैसे ये न्यूट्रॉन आया ऐसे मारा दीवार पे, फिर इधर मारे इधर मारा, इसकी दीवार फैलती जा रही, इसका साइज ऐसे थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ये अनस्टेबल हो गया, इट बिकम्स यूरेनियम 236 व्हिच इज अनस्टेबल। इसका फिजन होता है, इसका फिजन नहीं होता। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इधर आ गए, कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, और जो बदमाश न्यूट्रॉन है वो ये रहा जो सारा कांड कर रहा है, इधर जाके मारेगा, फिर इधर मारेगा, इधर मारेगा, मार के इसको धीमे धीमे फैलाता जा रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि इसका फिजन होना स्टार्ट हो गया, अब ये थोड़ा सा स्प्लिटिंग स्टेट में आ रहा है, ऐसा बन गया ये, कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस साइड हो गए, कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस साइड हो गए, और जो बदमाश न्यूट्रॉन था उसको आप पहचान नहीं पाओगे, कोई दुनिया से अलग थोड़ी ना था, वो भी इन्हीं के अंदर कहीं घुल मिल गया,
जो न्यूट्रॉन बाहर से आया था ऐसे आया, अंदर मार 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 के इसको फैला दिया। अब ये टूटने वाला है, फिर क्या हुआ कि ये स्प्लिट हो गया, यानी एक्चुअल काम हो गया फिजन का, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, ऐसे ये दो पार्ट में टूट गया, एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा, एक पार्ट थोड़ा सा छोटा, कंपेरेबल साइज का। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन्हीं में रह गया, समझो बात को। टूटा तो, पर टूटते वक्त कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर भी छटक गए, तो देखा गया कि दो या तीन न्यूट्रॉन बाहर चले गए। वैसे दो भी जाते हैं, चार भी जाते हैं, तीन भी जाते हैं, हम तीन वाला एग्जांपल लेंगे। ये क्या है, तीन न्यूट्रॉन है, थ्री न्यूट्रॉन जो कि बाहर छटक आए, और ये दो क्या बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई। तो एक स्लो न्यूट्रॉन से ही यूरेनियम 235 का फिजन होता है, आगे इसके बारे में फिर बात होगी। और इसकी हम केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एक न्यूट्रॉन हमने लिया, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है जीरो, मास होता है वन। नीचे लिखोगे चार्ज, ऊपर लिखोगे मास, नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। इसको हमने डाला यूरेनियम में, 235 यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92। इसने इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके साइज बड़ा हो गया, बन गया यूरेनियम 236 92। एंड दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल, इसका होता है फिशन। अब ये 236 92 टूट जाएगा दो हिस्सों में, दिस यूरेनियम 236 92 विल नाउ स्प्लिट। अच्छा, किताब में क्या होता है कई बार, किसी को एक स्टेप में दिखा देता है ना, यहीं पे आगे बना। अब ये स्प्लिट करके कई कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो वो हम लेके आए हैं। एनसीईआरटी में इसके तीन कॉम्बिनेशन दिए हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दो पार्ट डेफिनेट हो कौन से बनेंगे, है ना, स्प्लिट होके वेरियस यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है बेरियम एंड क्रिप्टन का, और साथ में तीन न्यूट्रॉन का, एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 144, एटॉमिक नंबर 39, मास 36, वेरी सॉरी, मास नंबर 89। चेक करने का तरीका ये होगा कि ऊपर का सारा जोड़ो इधर, ऊपर का इधर से मिलाओ, बराबर आना चाहिए। ये हुआ 3, ये हुआ 92 और 144, तो जोड़ के देख लो, 144 और 92, 246, 94, 13। नीचे का जोड़ के देख लो, 56, 36, 50, 30, 80, 66, 12, R, 90। दो तीन कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी देती है हमको, एंटीमनी एंड नायोबियम एंड फोर न्यूट्रॉन्स। एक ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस क्यू तो बनेगा ही हर बार। मास नंबर 133, एटॉमिक नंबर 51, मास नंबर 99, एटॉमिक नंबर 41। चेक करने का तरीका वही है, जोड़ के देख लो, 50, 40, 90, 112, यानी यूरेनियम 236 92 कैन आल्सो स्प्लिट लाइक दिस। ये डेफिनेट नहीं है कि क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी है। कभी तीन न्यूट्रॉन निकल के बाहर आए, कभी चार, कभी ये बन रहे हैं, कभी ये बन रहे हैं, या कभी ये भी बन सकते हैं यूरेनियम 236 92। Can split to xenon plus strontium plus दो न्यूट्रॉन plus energy, atomic number 54, mass number 140, atomic number 38, mass number 99। So ये combination भी हो सकता है, ये combination भी है, definite नहीं हो सकता, सब probability है। तो इनका एवरेज निकाला गया कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा हुआ, कौन सा सबसे कम हुआ, तो देखा गया ये वाला सबसे ज्यादा मिल रहा है ना। 1000 न्यूक्लियाई स्प्लिट किए तो उसमें से देखा गया 500 तो यही हो रहे हैं, बचे हुए में ये है। तो हम इसी वाले रिएक्शन को बेस मानकर सारी कहानी आज की पढ़ेंगे, जिसमें बेरियम बन रहा, क्रिप्टन बन रहा, और तीन पीसेस न्यूट्रॉन के निकल रहे हैं, तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। बट जब एवरेज देखा गया, ओवरऑल एवरेज है, तो उसको भी नोट कर लो, ऑन एन एवरेज, इसको नोट करेंगे, ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स
are released per fission of यूरेनियम 235 के फिशन की हम बात करते हैं, उसमें एक न्यूट्रॉन डाला, उसके बाद कहानी। तो किताब में क्या करता है ना, यहीं से सीधा तीर बना के ये बना देगा, यहीं से सीधा तीर बना के ये लिख देगा, यहीं सीधा तीर बना के ये लिख देगा, एक ही चीज, समझ रहे? इसको दिखाया ही नहीं, बोला इसमें एक न्यूट्रॉन डाला फिर एरो बनाया फिर ये लिख दिया, इसमें न्यूट्रॉन डाला एरो बनाया ये लिख दिया, न्यूट्रॉन डाला एरो बनाया ये लिख दिया। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन ऑन एन एवरेज, ढाई न्यूट्रॉन, कभी तीन निकल रहे कभी चार कभी दो, ओवरऑल जो एवरेज है वो ढाई है, बट हम इसको अपना बेस मानकर डील करने वाले हैं तीन न्यूट्रॉन को, ठीक है? कैसा न्यूट्रॉन चाहिए? थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो न्यूट्रॉन, बहुत फास्ट होगा तो चला जाएगा, है ना? मैंने बोला ना स्ट्राइकर को बहुत तेज मारो तो एक गोटी को मार के चला जाएगा, और धीमे मारो तो कॉम्बिनेशन के अंदर घुसेगा, पूरे को स्प्लिट करेगा, है कि नहीं? अब सोच लो तुम्हारे ग्रुप में कोई नया दोस्त आना है, ग्रुप में किसी नए दोस्त को आना है, तो जो नया बंदा है वो तेजी से आएगा तो निकल जाएगा ना, धीमे से आए, ग्रुप के बीच में रुके, सबसे बातें करें, उसके बाद ग्रुप को तोड़ भी दे सा है ना, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हम लोग ग्रुप में। नोट कर लिया, मिटा रहे इसको, चलो अब बात करते हैं ये एनर्जी कितनी निकल रही, और ये भी बात करते हैं कि ये अनस्टेबल क्यों है और ये क्यों टूट रहा है, ये सारी बातें करते हैं। नोट कर लिया है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में लिख के आता है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कुछ लिख दिया यहाँ पे कुछ गायब कर दिया, तो तरीका मैंने बता दिया, ये जोड़ लो 144.89 3 1 3 जोड़ लो इधर के बराबर, और इनको जोड़ लो इधर के बराबर 133.99 और ये 4 1 4 तो 4 137.79 16 बन गया हासिल, 10 3 13 बन गया हासिल 2, दिख रहा है? मिटा रहे? चलो अब बात करते हैं एनर्जी वगैरह की फिजन में, और वहीं से आपको पता चलेगा फिजन हो क्यों रहा है। इसके लिए थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर यूज करेंगे, जहां हमने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कंसेप्ट पढ़ाया था, याद आया? वहां पर हमने बताया भी था फिजन क्यों होता है, तो उसी को हम फर्स्ट वापस से इस्तेमाल करेंगे, नए बोर्ड में गंदगी होती हुई थोड़ी सी। सो एनर्जी इन फिजन, एनर्जी इन फिशन, एनर्जी इन फिशन, तो अगर आपको याद हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का आपने कर्व पढ़ा था मेरे साथ, यहां पे हमने ली थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के लिए, और इसको हम रखते थे इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर याद हो तो। इस जगह पे हम लिखते थे मास नंबर, अगर आपको याद हो ये कर्व कुछ ऐसा था, शुरू में एकदम नीचे फिर ऊपर उठा फिर ऐसे फिर ये, ऐसा कुछ कर्व था ये, बहुत बढ़िया, इधर मास नंबर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ कहीं हमने कह दिया मान लेते हैं यूरेनियम है, मास नंबर 235, यहाँ कहीं यूरेनियम, और अच्छा एक्चुअल में स्प्लिट कौन कर रहा है, U236 कर रहा है, तो U36, अरे यार 35 36 बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम 240 लेके अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे, टेंशन मत। तो यहां बड़ा सा न्यूक्लियस है यूरेनियम 236 का, और ये स्प्लिट करके क्या बना रहा है, छोटे छोटे न्यूक्लियस 117 के 144 के तो 120 के मान लेते हैं ना, देख रहे थे आप 144 कहीं 117 ये सब तो नंबर थे, तो हम मान लेते हैं 120 के दो बना रहा है अप्रॉक्स, 240 से 120 के, एनीवेज यहां आ गया, यही तो हो रहा है ना फिशन में, यही तो हो रहा है, टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बना रहा है जिनका मास नंबर, भाई इस तरफ मास नंबर है ना, यहाँ मास नंबर 236 से यहाँ 144 को जा रहा है, ठीक है, ये टूट के छोटे छोटे चौटे न्यूक्लियाई बना रहा है, ठीक है। अच्छा इसीलिए ये प्रोसेस हो भी रहा है, स्पॉन्टेनियस है ये भी, एक बार शुरू करो फिर अपने आप चलता रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं बीच में उसको हम सॉल्व करेंगे भी है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, मैंने बताया था कि वही रिएक्शंस होते हैं अपने आप जिनमें बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही हो, इसमें देखो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, आपको मैंने बताया था ना कि सबसे बढ़िया बाइंडिंग एनर्जी ये बीच वाले न्यूक्लियस की होती है, सबसे अच्छी होती थी आयरन की, ये बीच वाले की बढ़िया होती है, यूरेनियम तक जाती है तो गिर जाती है, और शुरू में भी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, अप्रॉक्स अगर हम देखें तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी अप्रॉक्स होगी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और अप्रोक्सीमेटली ये छोटे छोटे डीज के बन रहे हैं 140, 120, 117, इनकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्स बात कर रहे हैं बच्चों, एग्जैक्ट नहीं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 8.5, आयरन की 8.8 थी, उससे कम रखी 8.5। सो एनीवेज जो फायदा हो रहा है, एमईवे नहीं मचाएंगे जो फायदा हो रहा है एनीवेज वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, अभी दिखाते हैं सब। अभी फील हुआ ये थोड़ा बहुत याद आया, ये होता था फिजन और इधर से होता है फ्यूजन, जब दो मिलके एक बड़ा बनाते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे में क्यों टूटा? क्योंकि दो छोटे न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा थी, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको याद हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो कर्व था, ये हम किसके लिए यूज करते थे? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के लिए। जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती थी वो मोर स्टेबल होते थे। डेफिनेटली दीज आर मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम वो लेस स्टेबल। तो मान लेते हैं कि ये कोई न्यूक्लियाई एक्स है जो कि टूट कर दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस एक्स है जो टूट के दो न्यूक्लियाई वाई और जेड बना रहा है। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करते हैं, मानते हैं इसका जो मास नंबर है वो 240 है और इनका 120 और 120 है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो अभी मल्टीप्लाई डिवाइड करने में रात हो जाएगा। तो मास नंबर मान लेते हैं 240 और टूट के बन रहा है 120। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो इसकी मान लो 7.6, इसकी मान लो 8.5। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, लास्ट में हम आपको एग्जैक्ट आंसर ही बताएंगे एग्जाम में क्या मारना है। हम दिखा रहे हैं कितनी एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है कि अब्सॉर्ब हो रही है सर, इनकी तो एनर्जी ज्यादा है, वही समझ में आएगा। चलो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालो, ये सब याद है कि भूल गए सब बच्चों? मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, मास नंबर का मतलब होता है, हमने 240 मान लिया 235-236 की बजाय, अप्रोक्स कैलकुलेशन। मास नंबर क्या होता है कि कितने न्यूक्लियॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, और एक न्यूक्लियॉन की कितनी बाइंडिंग एनर्जी है 7.6, 8.5, इनमें कितने न्यूक्लियॉन है 120, भाई 240 था टूट के दो पार्ट में, एक झोले में 120, एक झोले में 120, टूट के छोटा छोटा बन गया। अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं माना है हमने बाहर निकल। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इधर कितनी हो गई, इसमें से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। भाई मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और ये पर न्यूक्लियॉन है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 240 × 7.6, तो करीब करीब 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये हो जाएगी 120 × 8.5, ये हो जाएगी 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी 120 × 8.5 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो इस तरफ टोटल एनर्जी ज्यादा दिख रही है, इस तरफ टोटल कितना हो गया 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन, इस तरफ कम है 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आएगी। जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, जस्ट एक बार इसको हम लोग चेक कर लिया जाए, 240 × 7.6 1824। ठीक है, तो बच्चों इधर आपको दिख रहा है बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी रिलीज हुई है कि अब्सॉर्ब हुई है? बाइंडिंग एनर्जी होती क्या थी कि किसी न्यूक्लियस के बनते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई, फिर से, किसी न्यूक्लियस के बनते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो इसके बनते वक्त, एक्स के बनते वक्त, जब एक्स का बड़ा सा न्यूक्लियस बना होगा इतनी एनर्जी रिलीज हुई, और जब ये दोनों बने होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो इसके बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, अब इनको बनाने के लिए अभी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और रिलीज करनी होगी। समझो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है कि किसी न्यूक्लियस को बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो भाई इसको बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है ये बन गया, अब इससे आप ये बनाना चाहते हो और इनको बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यानी अभी यहां से यहां और एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा समझाया बाइंडिंग एनर्जी में, आपने नहीं देखा हो तो टाइप करें न्यूक्लियाई 05 बाइंडिंग एनर्जी फिजिक्स वाला। तो यहां से यहां जो एनर्जी लिबरेट हुई,
जो एनर्जी लिबरेट हुई बच्चों वो होगी 2040 - 1824. दिस विल बी 6, दिस विल बी व्हाट 31, दिस विल बी 2. 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 200 एग्जाम में जो ऑप्शन होता है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, तो आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने बहुत से अप्रोक्सीमेशन किए हैं. आप मतलब समझ रहे हो कि वन न्यूक्लियस ऑफ U235 ऑन फिशन रिलीजेस 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. 200 ही ले लो, कौन सी कम होती है, 200 ही ले लो. वन न्यूक्लियस समझ रहे हो, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एक एटम कितना बड़ा होता है. हाय 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 सर, समझ में आया ये इतनी एनर्जी किससे मिल सकती है आपको, एक छोटे से एटम से, एक ग्राम नहीं है ये एक छोटा सा एटम है, 235 amu है ये, है ना, 235 या 240 amu है, एंड 1 amu इज 1.6 × 10⁻²⁷ ग्राम किलोग्राम, 10⁻²⁴ ग्राम. कुछ आइडिया लग रहा है ये कितने मास से आया है, इतनी एनर्जी आपको मिली है फ्रॉम दिस. दिस इज व्हाट 240 amu, यानी 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम ऑफ यूरेनियम. अभी एक ग्राम, अरे यार एक ग्राम छोड़ो अभी तो क्या ही बात हो रही है, ये कितना ही कम यूरेनियम है, 10⁻², और इससे निकल रही है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन. ये तो एक न्यूक्लियस है ना, एक एटम का मास एमयू में तो होता है, एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट, तो एटम का मास 240 और 1 एमयू इज 1.6 × 10⁻²⁷ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻²⁷ केजी या 10⁻²⁴, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा. इसी का तो यूज करते हैं एटम बॉम्ब में या न्यूक्लियर रिएक्टर में, बहुत ही तगड़ा एनर्जी का सोर्स. अच्छा, यहीं से हम आपको एक बात और याद दिला जाएंगे, वो भी पिछले लेक्चर से है, कि अगर किसी रिएक्शन में टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो डेफिनेटली मास डिसअपीयर हो रहा होगा. अरे भाई एनर्जी कहाँ से आती है, मास ही से तो आती है ना, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यहाँ से मास गायब हुआ होगा, वही एनर्जी के फॉर्म में बाहर आया होगा. जो आप रिएक्शन देख रहे थे कि यूरेनियम टूट के बेरियम क्रिप्टॉन बन गया, यूरेनियम टूट के ज़ेनॉन और जो भी था, जो भी पार्ट्स बन रहे थे, उसमें क्यों लिखा था बाद में, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, आसमान से टपक रही है, कहाँ से आ रही है, हम तो दे नहीं रहे. तो डेफिनेटली इस तरफ से इस तरफ जाने में, एक्स से वाई प्लस जेड जाने में कुछ मास डिसअपीयर हो रहा होगा, और वही मास अपने आप को दिखा रहा होगा एनर्जी की तरह. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा पढ़ाया था कि जब एनर्जी बढ़ रही है मतलब मास गायब हो रहा है, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो कितना मास डिसअपीयर हुआ जरा इसकी भी बात कर लें, ये नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, मिटा दें, मिटा दें, कितना मास डिसअपीयर हो जाए उसका भी आइडिया आपको दे. ये हटा दें क्या, नोट कर लें पॉज करके, 1, 2, 3, 4, 5, चलो आपको थोड़ा सा मास का भी आइडिया दे कि कितना मास डिसअपीयर हुआ. यहां पे लिखो, सिंस एनर्जी इज लिबरेटेड दस मास हैज डिसअपीयर्ड. डेफिनेटली भाई कहां से आएगी एनर्जी, डेफिनेटली मास से ही आई है, वो मास गायब हो गया, एनर्जी में दिख रहा है. कितना मास गया हो देख लेते हैं, कैसे पता चलेगा बच्चों. अगर आपको याद हो कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है एक एएमयू के मास से, या एक एएमयू मास जब गायब होता है, इधर से इधर जाते हो मास गायब हो रहा है, मास डिफेक्ट, कुछ मास गायब हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है, तो एक एमयू जब मास गायब होता है तो इतनी एनर्जी दिखती है. तो ये 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने मास से दिखेगी, इतनी दिख रही है इतने एमयू से, तो इतनी दिखेगी कितने एमयू से, 216/931.5. बोलो सही है, इतनी एनर्जी एक एमयू से, तो इतनी एनर्जी कितने एमयू से, कैसे पता चलेगा, यूनिट्री मेथड 1/931.5 बाय यूनिट्री मेथड लगा दो,
इससे इतना तो इससे कितना, तो 1/931.5 मल्टीप्लाइड बाई 216. सो दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 0.23 AMU, यानी करीब यहां से 240 AMU में से 0.23 AMU सिर्फ गायब होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, बहुत कम मास डिसअपीयर होता है. परसेंटेज देखना चाहो तो परसेंटेज में देख लो, परसेंटेज ऑफ मास दैट डिसअपीयर्ड, नोट्स बनाना है इसके जरूर से, परसेंटेज ऑफ मास दैट डिसअपीयर्ड, तो कितना मास डिसअपीयर हुआ, 0.23 कितने में से, 240 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 0.1%. बस अरे यहां से ये पॉइंट हटाओ, डबल जीरो काट दो, 23 को 24 मान लो, 24 नीचे 100, 0.1%. बस बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, अरे यहां से पॉइंट हटाओ, ये डबल जीरो कैंसिल, 23 को 24 मान लो, 24 10 1/10 is 0.1. समझ में आया, 0.23 upon 240 into 100, ये हटाया डबल जीरो, इसको 24 मान लो, 24 10 1/10, यानी यहां से यहां जाते वक्त 0.1% मास डिसअपीयर होता है, और जिसकी वजह से मिलती है ढेर सारी एनर्जी, क्योंकि डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, याद आया, तो इतनी एनर्जी मिलती थी एक एमयू से, इतनी एनर्जी कितने एमयू से हमने निकाल लिया, नोट कर लें, क्लियर है. तो एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के फिजन में एनर्जी करीब करीब 200 MeV रिलीज होती है, और जो मास डिसअपीयर होता है वो 0.1% ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस. क्यों हो रहा है ये रिएक्शन, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, दीज आर मोर स्टेबल, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, यहां से यहां आने में एनर्जी रिलीज होती है, कहां से आई एनर्जी, मास से, यहां से यहां जाते वक्त मास डिसअपीयर हो गया. बढ़िया सर, इतने से इतनी एनर्जी, वाह वाह सर, इतनी ज्यादा एनर्जी सर. अच्छा एक चीज और सुनो, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, जैसे क्रिप्टन बेरियम बना था, वहां पे तीन रिएक्शन जो लिखे हैं उसमें लिख लो एक पॉइंट, दीज डॉटर न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव एंड दे फर्दर इमिट बीटा एमिशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन, लिख लो वहां. जो डॉटर न्यूक्लियाई बने वो शांति से नहीं रहते हैं, अभी वो अलग बदमाशी कर रहे हैं, एक तो फिजन होके दो छोटे छोटे पार्टिकल बन गए, अब वो अपने अंदर से बीटा गामा अलग निकाल रहे हैं, यानी जो वाई जेड बन रहे हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव एंड दे फर्दर गिव्स बीटा एमिशन एंड गामा रेडिएशन, अल्फा भी दे सकते हैं, ज्यादा जो देते हैं पता है, क्लियर है, पॉज करके नोट करें. तो वो तो हो गई रेडियो एक्टिविटी की बात भी, कि हाँ वो रेडियो एक्टिविटी, अभी तो हम कह रहे थे भैया कितनी एनर्जी मिल जा रही है, इसका मास नंबर इतना, बाइंडिंग एनर्जी पर निकलन करके भी इतना माना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतनी, इधर मास नंबर इतना, ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी, टोटल एनर्जी इतनी, एनर्जी लिबरेटेड इतना, किससे, एक न्यूक्लियस का मास 240 AMU, यानी इतने ग्राम से इतनी एनर्जी, वाह सर इतनी एनर्जी. अभी रुको, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, अभी देखो अब दिक्कत क्या होगी, एनर्जी वही होता है ना, जिंदगी में ज्यादा प्यार मिलना भी खराब है. अभी देखो यहाँ कहानी खत्म नहीं होगी, और एनर्जी, जरा कमरे की लाइटिंग मेरे को सही करने दो. हाँ नोट कर लिया इतना, देखो जिंदगी में ना ज्यादा प्यार मिलना भी दिक्कत वाला है, अभी एनर्जी यहाँ रुकी थोड़ी ना है, फील आ रहा है आपको फिजन का, ऐसे तो मैं भी तेजी से पढ़ा देता, एक न्यूक्लियस टूट के दो बनाएगा, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको हम यूज करते हैं, एनर्जी निकलती, फील दिला रहे हैं कि मास भी गायब हो रहा है, समझो इसकी ग्रेविटी को, इसकी डेप्थ को समझो, कि इन रिएक्शन में मास भी गायब हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है, और बहुत एनर्जी बन रही है, हल्की फुल्की नहीं, बहुत ज्यादा. अभी देखो अभी और दिखेगी एनर्जी, अब कैसे दिखेगी, जरा लिखो एक टॉपिक, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन. अब क्या बवाल है सुनो जरा, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन. अब क्या हुआ, आप कह रहे थे ठीक है बहुत एनर्जी है, बहुत बढ़िया, अभी रुको, ये मान लो एक यूरेनियम का, यहां बनाते हैं थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, ये मान लो एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, बहुत बढ़िया, आपने इसमें एक थर्मल न्यूट्रॉन, एक लेस एनर्जी वाला न्यूट्रॉन दे मारा, ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, इसमें से बनेंगे दो डॉटर न्यूक्लियाई और मानते हैं निकल रहे हैं तीन न्यूट्रॉन। हम अपने अब यहां से तीन न्यूट्रॉन वाली कहानी बेरियम क्रिप्टो में, तो इसमें से दो डॉटर न्यूक्लियाई वो हम नहीं दिखा रहे, तीन न्यूट्रॉन निकले, एक दो तीन, एक न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन तीन न्यूट्रॉन, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कहाँ हो रहा होगा, कहीं एक न्यूक्लियाई तो मिलता नहीं है भाई जीवन में, है थोड़ी ना यूरेनियम का एक एटम मिल गया चलो करो ना भाई, यूरेनियम का स्लैब मिलेगा, यूरेनियम का आपको एक एक पीस मिलेगा, तो यूरेनियम के पीस में करोड़ों एटम होंगे, एक एटम होगा क्या, करोड़ों एटम होंगे। आपने न्यूट्रॉन किसी एक न्यूक्लियाई में मार दिया है, लेके एक एटम फटाक से, उसमें से तीन न्यूट्रॉन निकले, अब अगल बगल क्या है, अगल बगल है यूरेनियम का न्यूक्लियस यानी यूरेनियम के एटम। तो ये एक यूरेनियम था, फिर इन्होंने हिट किया यूरेनियम पे, अब ये यूरेनियम पे जैसे ही न्यूट्रॉन हिट करेगा, अगर प्रॉपर एनर्जी से हिट करता है, अंदर रुकता है, तो इनका भी फिजन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, इनका फिजन हो जाएगा, इसमें से फिर दो डॉटर न्यूक्लियाई और तीन न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे, चेन रिएक्शन, इसमें से फिर तीन न्यूट्रॉन निकले, अब ये न्यूट्रॉन भी कहाँ है, सैंपल के अंदर ही तो है, यानी पीस के अंदर ही तो है, स्लैब के अंदर ही तो है, जो आपने टुकड़ा उठाया यूरेनियम के उसके अंदर, तो ये न्यूट्रॉन निकले अगल बगल, फिर यूरेनियम ने पकड़ लिया, फिर समझ रहे हो, अब आपको फील हो रहा है ये क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पहली बार एक, फिर तीन, फिर नौ, फिर इसके बाद 27, समझ रहे हो, चलता जाएगा कहानी है, इतना आसान होता नहीं है, कहने की बात है, कुछ न्यूट्रॉन एस्केप कर जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, अरे रे 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 एनर्जी, तुम तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, और ये कितनी देर में होगा, एक सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, धड़ एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी, दिस इज कॉल्ड चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ चेन न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, chain nuclear reaction can be of two types, the first is uncontrolled and the second is controlled, batao kaun sa acha hai, yahan pe jo badmaash bachche honge back bencher type wo bolenge uncontrolled sir maza to usi mein hai, uda do sahar pura dhaam, ek uncontrolled ek controlled, dekho uncontrolled kya hai, ye jo ho raha hai, when one fission causes More than one fission. जब एक फिजन से एक से ज्यादा फिजन हो, जरूरी नहीं कि तीन हो, सकता हो कोई एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया सैंपल के, या वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, अरे बहुत कुछ होता है ऐसा, इतना आसान थोड़ी ना, लोग बता दिए हो गया, समझो बात को, ये जो न्यूट्रॉन निकला है ये भैया चल रहा होता है 7% ऑफ लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड का 7% बहुत होता है, ऐसा समझ लो साउंड की स्पीड से 15-20 गुना ज्यादा तेज, इतना तेज न्यूट्रॉन जल्दी थोड़ी ना कैप्चर हो जाए, क्या पता बाहर निकल जाए सैंपल से, 15 मिनट के अंदर ये बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट होने का इसका चांस बन जाता है, मतलब प्रोटॉन में, भाई न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल निकलता है, पढ़ा होगा एंटी न्यूट्रिनो, पढ़ा है बीटा पार्टिकल के म्यूजन न्यूट्रॉन से तो होता है, तो बहुत कुछ हो रहा होता है, बट अगर मान लो दो न्यूट्रॉन भी फिजन करते हैं, फिर इसमें से कितने निकला है, दो से छः, छः में से मान लो तीन करते हैं, फिर कितने निकलेंगे, तीन से, फिर तीन से और नौ, फिर नौ में से चार करते हैं, तो बढ़ तो रहा है लगातार, हाय 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 हाय, सोच रहा हूँ कम से कम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि एक यहाँ कट गया, अगली बार तीन कट गए, अगली बार चार कट गया, फिर भी बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ से एक कट गया, दो निकला, छह निकला, छह में से तीन कट गए, तीन गए, फिर नौ निकले, नौ में से चार कट गए, तब भी पांच बजे चलता जा रहा है, बट इफ वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन तो वो अनकंट्रोल्ड माना जाता है, इसमें क्या होगा एनर्जी विल मल्टीप्लाई इन मिली सेकेंड्स, भाई एक न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी थी याद रखो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब धड़ 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 बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज हाउ एटम बॉम्ब वॉज मेड, ये इसका डिस्ट्रक्टिव यूज है एटम बॉम्ब, अगर आपको एक बोरी कितना
एक बोरी मतलब समझ लो करीब 50 kg यूरेनियम को ये आपको दे दे तो आप पूरा का पूरा शहर उड़ा सकते हो। यही तो हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, यही हुआ था। 50 kg यूरेनियम से 10^15 जूल्स के आसपास की एनर्जी मिलेगी अप्रोक्स। दिस इज हाउ हिरोशिमा एंड नागासाकी हैपेंड। एक बोरी यूरेनियम ले जाके टपका दिया। बहुत खराब चीज है, कोई इसमें खुश होने की चीज नहीं है, लेकिन बड़ा ही खराब डिस्कवरी। बट रुको, इसका पॉजिटिव साइड है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में क्या है कि when one fission causes one fission, ये बहुत सही है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले तो 2 को काट दिया, फिर 1 न्यूट्रॉन गया सिर्फ इस पे मारा, 3 निकले फिर 2 को काट दिया, फिर 1 न्यूट्रॉन गया इस पे मारा, 3 निकले 2 को काट दिया, है ना। ऐसा कुछ हो, मान लो 1 न्यूट्रॉन गया इसमें से फिर 3 निकले, 2 को किस तरह से रोक दिया, फिर 1 गया, फिर इसमें से 3 निकले, फिर 2 को रोक दिया, फिर 1 पे गया। देखो, एक फिजन के बाद एक फिजन, इसमें एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं होगी, एनर्जी लिबरेटेड एट कांस्टेंट रेट है ना, कांस्टेंट रेट पे 216 मेगा इलेक्ट्रॉन, 216 एक कांस्टेंट रेट पे चल रहा है, हर रेगुलर इंटरवल के बाद एक एक फिजन हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और इसको हम यूज करते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में। भारत में भी है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हमारे देश की 3.33% इलेक्ट्रिसिटी यहां से आ रही है, और दुनिया की देखें तो दुनिया की 10% आ रही है इस प्रोसेस से। सो ये इसका अच्छा यूज है और ये इसका खराब यूज है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो हमें क्या पढ़ना है, ये कि ये जितने बैग वेंचर है सर, एटम बॉम्ब बनाना सिखा दो आज क्लास में, तो हम लोग कंट्रोल्ड पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। तब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एक फिजन से एक ही फिजन हो देंगे, 2 न्यूट्रॉन को हम रोक लेंगे, फिर 2 को रोक लेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब आप जब खुश हो गए कि हाँ ठीक है कंट्रोल कर लेंगे, तब एक प्रॉब्लम आती है कि चेन रिएक्शन बनाए रखना भी टफ है। एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बहुत टफ प्रोसेस है। What you are dealing with is tremendous amount of energy, जिसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखो जरा क्या क्या दिक्कतें आती हैं। लिखो difficulties in chain reaction। अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर पे हम गए नहीं, अब टॉपिक तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर के पास का ही है। Difficulties in chain reaction, एकदम मजा आ रहा है टॉपिक में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बोर्ड हो गया, अच्छी अच्छी धीमे धीमे मेरे को आइडिया लगेगा यहाँ पे बोर्ड का इनका। Difficulties in chain reaction, heading लगा है। Difficulties in chain reaction. अरे uncontrolled बनाना भी आसान नहीं है, chain reaction बनाना भी मुसीबत। तुमने बताया ना सारे के सारे न्यूट्रॉन फिजन करें, ऐसा जरूरी नहीं है। सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, निकले 3 गए और फोड़े पे, 3 से 9 निकले और फोड़े, इतना आसान नहीं। आप देखो सबसे पहले डिफिकल्टी, poor concentration of fuel, fuel मतलब यूरेनियम 235, fuel मतलब यहीं से एनर्जी हम निकाले ना, जिस चीज से एनर्जी निकालते हैं उसको फ्यूल बोलते हैं। तो इसकी कंसेंट्रेशन बड़ी पुअर है, जो फ्यूल है जिससे एनर्जी बनानी है। होता क्या है बच्चों, जो नेचुरल यूरेनियम हमको मिला, जो नेचर में यूरेनियम मिला, सो नेचुरल यूरेनियम का जो कंसेंट्रेशन है वो है करीब 99.3%, उसमें U238 है और 0.7% उसमें U235 है। कुछ ऐसे समझ लो कि 1000 किलो में 7 किलो U235 है, इन 1000 kg नेचुरल यूरेनियम ओनली 7 kg is fuel, यानी U235, बाकी 993 kg U238 है। अब जाहिर सी बात है एक ही सवाल सबके मन में कि इसको क्यों नहीं यूज करते, इसी से कर लो सर फिशन, ये भी तो है भी, हाँ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। पहली चीज U238 एक वर्ड लिखना इज
नॉन फिजाइल। अब नॉन फिजाइल क्या होता है ये समझा पाना इस छोटे से लेक्चर में इम्पॉसिबल है, आप बहुत बड़ी ब्रांच साइंस की डील कर रहे हो न्यूक्लियर फिजिक्स, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। नॉन फिजाइल बच्चों वो होते हैं, फिशनेबल है, फिर बोलता हूँ फिशनेबल है, ऐसा नहीं कि इसका फिजन नहीं हो सकता। फिशनेबल और फिजाइल अलग अलग होता है। फिजाइल मतलब ये स्लो न्यूट्रॉन से फिजन नहीं हो सकता इसका। U238 कैन ओनली बी फिजन्ड, कैन ओनली बी फिजन्ड विथ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। इनके लिए बहुत हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, अप्रॉक्स मान लो 1 MeV या मोर, इतनी एनर्जी के। और वहां हम किससे कर ले रहे थे U235 का 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 ELV थर्मल न्यूट्रॉन। ये थर्मल न्यूट्रॉन से फिजन नहीं, तभी तो नॉन फिजाइल, जो थर्मल न्यूट्रॉन से फिजन ना हो, नॉन फिजाइल, नॉट फिजिबल, नॉट फिजनेबल बाय थर्मल न्यूट्रॉन। तो भी सर क्या दिक्कत है, दे दो इनको इतनी एनर्जी का न्यूट्रॉन, कर लेते हैं फिजन, इतना ज्यादा है काम, और में से छाटेंगे कि थोड़ा बहुत, हाँ 993 के जाए थोड़ा सह लेंगे थोड़ा, है ना, सह लेंगे थोड़ा। अभी देखो दिक्कत क्या, मान लो किसी तरह से आपने एक न्यूट्रॉन एक्सेलरेट, भाई पार्टिकल एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करोगे इसको, इतनी हाई एनर्जी नेचर से तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पार्टिकल एक्सेलरेटर से आपने एक्सेलरेट करके इसे एक दे दिया 1 MeV का न्यूट्रॉन, ठीक है, किसको, U238। अब जब इसका फिजन होता है ना, तो इसमें से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 निकले 2 निकले, वो स्लो होते हैं। अब वही कह रहे हैं बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, और वो स्लो क्यों होते हैं उसको बोला जाता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से। मान लो इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन निकले, जरूरी नहीं 3 निकले, मान लो इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन जो निकले, नाउ दीज आर स्लो न्यूट्रॉन्स, स्लो न्यूट्रॉन्स मतलब लेस एनर्जेटिक, एनर्जेटिक ड्यू टू इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, आप इन इलास्टिक कोलिजन जानते हो, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, एनर्जी लॉस होती थी, तो एनर्जी लॉस हो जाती है इसमें, इन शॉर्ट तो इन न्यूट्रॉन्स के पास इतनी हाई एनर्जी नहीं होती कि दे कैन कॉज फर्दर फिशन। दीज न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव 1 MeV एनर्जी एंड हेंस दे कैन नॉट सस्टेन चेन रिएक्शन। अब ये चेन कैसे करेंगे, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं, इसके बाद अगला यूरेनियम का न्यूक्लियस रखा हुआ है, आओ मारो हमें, इनके पास एनर्जी ही नहीं है, ये इसको उसके साथ फिशन कर ही नहीं पा रहे। इंस्टेड क्या होता है, न्यूट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, बीटा डीके स्टार्ट हो जाता है, विच इज इररिलेवेंट टू दिस टॉपिक। इंस्टेड लिखना चाहो तो लिख लो, इंस्टेड दीज स्लो न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब by U238 and beta decay occurs, फिर इससे प्लूटोनियम बन जाता है, which is irrelevant to this topic, इससे कोई मतलब नहीं। In short, आपको ये याद रखना है, U238 is non-fissile। अब ये मान लो न्यूट्रॉन फास्ट होते हैं, 5 MeV के होते, तो और हमें 1 MeV चाहिए होता, तो हम कर लेते हैं, तेज चीज को धीमा करना थोड़ा आसान है, एनर्जी देखिए एक्सेलरेट करना पार्टिकल को ज्यादा टफ है, तो इसको एक्सेलरेट करने में इतना पैसा खर्चा हो जाएगा कि अब इसको हमने क्या बोल दिया, इन शॉर्ट एक वर्ड दे दिया नॉन फिजाइल, कि भाई इससे काम नहीं बनेगा, चाहिए तो यही। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, डिफिकल्टीज के साथ हम सोल्यूशन बताते हैं, तो इसका सोल्यूशन है आप इसकी प्रॉपर मेटलर्जी करो, और क्या कर सकते हो, इसकी मेटलर्जी के प्रोसेस को अच्छा बनाओ। मेटलर्जी पता है ना, किसी में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करना है इसकी ओर में से, यूरेनियम ऑक्साइड की ओर होती है UO2, तो उसमें से बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्शन करो U35 का, और क्या। अब यही ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नॉन फिजाइल है, फास्ट एक बार दे भी दिया फिर स्लो न्यूट्रॉन आ गया, वो अलग बीटा डीके करा रहे हैं, आगे फिजन करा नहीं पा रहे, ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं कर सकता। हाँ हाँ, अगर इसे आप किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन देते रहो तो ये फिजन होता रहेगा, ऐसा किया भी जाता है ब्रीडर रिएक्टर्स में। इतनी बातें है ना, मतलब इतना बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसको यूज नहीं किया गया है, किया गया,
ब्रीडर रिएक्टर्स में, कहां पे? ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या किया जाता है, इसके पीछे एक दूसरा न्यूक्लियस रख देते हैं जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन देता रहता है, तो उससे इसका काम बन जाता है। ऐसा भी किया गया है, यूज होता है ये ब्रीडर रिएक्टर। अगर पूछ ले कि क्या इसका कोई यूज है तो लिखो आप ब्रीडर रिएक्टर में यूज होता है, इसको लगातार हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन दिए जाते हैं और इसका फिजन होता रहता है। पर इनसे निकलने वाले न्यूट्रॉन काम के नहीं है, वो फिर प्लूटोनियम बनाते हैं जिसको हम वापस यूज करते हैं एज अ फ्यूल, कहानी है ब्रीडर रिएक्टर। चलो पहली ये डिफिकल्टी भी मिटा रहे। अच्छा पहली डिफिकल्टी तो भैया फ्यूल की ही हो गई। हेलो भैया, पेट्रोल ना मिला गाड़ी कैसे चलेगा, पेट्रोल का कंसंट्रेशन बड़ा कम है। दूसरी डिफिकल्टी देखो, अच्छा तो किससे होना है फिजन, 238 की 235? बोलो भाई 235, बहुत बढ़िया, दिल टूट गया ना, छन से जो टूटे कोई सपना भी और तोड़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, U235 के साथ क्या दिक्कत है। द फ्यूल U235 इज फिजनेबल ओनली बाय स्लो न्यूट्रॉन्स, only by slow neutrons, energy 1 electron volt, और ऐसे लिख लो बल्कि thermal neutrons। thermal neutrons मतलब जो surrounding से heat absorb करके अपना temperature बढ़ा ले उनको thermal neutrons बोलते हैं। thermal neutrons energy लिख लो 0.025 electron volt, अगल बगल से heat absorb की उसी से जो, तो सर क्या दिक्कत है, बढ़िया है यही तो आप चाहते थे। नहीं हम ये नहीं चाहते थे, दिक्कत है यहाँ पे भी। मान लो ये कोई थर्मल न्यूट्रॉन है, ये जाके हिट किया U235 को, अब इसमें से मान लो 3 न्यूट्रॉन निकले, 3, 4, 2 कुछ भी निकल सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे कोई इन इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं दे आर हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, जहां पे एनर्जेटिक चाहिए थे वहां धीमे मिल रहे थे, और जहां पे हमें धीमे चाहिए वहां तेज। दिक्कत क्या हुई, ये वाला भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें एज अ टीचर बोल रहा हूँ, भले ही वो पॉइंट भूल जाओ, इसके याद रखना, ईच ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स have 2 mega electron volt energy each। ले ओ सर, काश ये वहां मिल जाते पिछले वाले में तो काम बन जाता, यहाँ ज्यादा एनर्जी मिली, अब इनको स्लो डाउन करना पड़ेगा, इनको उस एनर्जी पे ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला स्लो डाउन करना आसान है, तो ठीक है U235 को हम यूज करते हैं ऐसा फ्यूल। प्रॉब्लम बस इतनी है कि दे कैन बी फिजन ओनली बाई स्लो न्यूट्रॉन्स, फिजाइल होते हैं ये, फिजाइल है थर्मल न्यूट्रॉन्स, तो पहले तो थर्मल न्यूट्रॉन आपने दे दिया है ना, गया यूरेनियम को मारा, इसमें 3 न्यूट्रॉन निकले, बहुत हाई एनर्जी की। अब क्या करना होगा हमें, वी हैव टू स्लो डाउन दीज न्यूट्रॉन्स टू लो एनर्जी सो दैट दे कैन कॉज फर्दर फिजन। मैं बोला इतना हलवा नहीं है चेन रिएक्शन बनाना, यहाँ पे हाईली एनर्जेटिक 2 mega electron volt के निकला, चाहिए लो एनर्जी के, यार कितनी एनर्जी के न्यूट्रॉन होंगे, घुसेंगे निकल जाएंगे बाहर, उन्होंने बताया ना थोड़ा धीमे से जाके अंदर ऐसे 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 करके साइज बढ़ाना। ठीक, तीसरी प्रॉब्लम सुनो, तीसरी प्रॉब्लम है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या चीज है, अब जो ये जो न्यूट्रॉन मिलते हैं ये बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं, धीमा कर लेंगे, धीमा करने के बाद भी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, छोटे से पार्टिकल के पास इतनी स्पीड है, मास है नहीं, यानी इतनी स्पीड इसकी कैसे दिखेगी, इतनी एनर्जी कैसे दिखेगी, काइनेटिक एनर्जी ½mv², मास है नहीं, तो सारी चीज, सारी की सारी एनर्जी कहां पे आएगी, उसकी स्पीड पे आएगी, तो बहुत हाई होती है। सो इवन स्लो न्यूट्रॉन्स मूव एट 8 times स्पीड ऑफ साउंड। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपने यूरेनियम का टुकड़ा लिया है, जो पीस लिया है, जो स्लैब लिया है, कहीं वो पतला तो नहीं है, कहीं वो थिन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ये लेयर को पास कर जाएंगे। इफ द लेयर ऑफ फ्यूल इज थिन द न्यूट्रॉन्स
may pass through it. भाई स्लो ही नहीं हुआ है ना, थोड़ी थिक लेयर होती तो एक न्यूक्लियस में घुसता स्लो होता, फिर दूसरे में और स्लो होता, फिर तीसरे में फिशन स्टार्ट करता. अब मान लो एक ही न्यूक्लियस की लेयर है पूरी, एक 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 निकल गया भाई, धीमे धीमे स्लो होते हुए घुसेगा ना अंदर, आपने बहुत पतली लेयर रखी तो निकल गया. पास थ्रू इट विदाउट कॉजिंग फिशन. लो फिशन हुआ ही, न्यूट्रॉन इतने स्लो न्यूट्रॉन है, धीमा कर दिया, वहां तक ले गए हैं. धीमा करने का तरीका होता है मॉडरेटर लगाना, भी सिखाएंगे. मॉडरेटर आए, धीमा कर दिया है, फिर भी दिक्कत क्या है कि अगर पतली लेयर है तो वो पास कर जाएंगे. सो देयर मस्ट बी अ लिमिटिंग मास ऑफ फ्यूल विच कैन सस्टेन चेन रिएक्शन. और इसी लिमिटिंग मास को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मास. द मिनिमम मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर चेन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास. अब सबका एक ही सवाल होगा कि क्रिटिकल मास कितना होता है यूरेनियम 235 का. तो ये चीज डिपेंड करती है, ये चीज डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ फ्यूल कि स्लैब किस शेप का है, कैसा बना है, और ये डिपेंड करती है एंड स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स कि न्यूट्रॉन कितना तेज या कितना धीमे चल रहा है, उसके हिसाब से क्रिटिकल मास एक कॉन्सेप्ट है, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक कॉन्सेप्ट है कि कम से कम इतना मोटा. अब न्यूट्रॉन बहुत तेज है तो उसके लिए और मोटा क्रिटिकल मास चाहिए, और ज्यादा चाहिए. न्यूट्रॉन धीमे है तो कम क्रिटिकल मास से भी कम हो जाएगा, क्रिटिकल मास की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना. अब मान लो इसका शेप आपका स्फीयर का है तो स्फीयर में ऑलरेडी मास ज्यादा होता है तो क्रिटिकल मास कम कर लेंगे. और शेप हम कहते हैं रेक्टेंगल का है जिसकी, तो रेक्टेंगल के हिसाब से हमें थिकनेस पे ज्यादा चाहिए तो क्रिटिकल मास ज्यादा चाहिए. तो इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री एज वेल एज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन. तो प्रॉब्लम देख रहे हो, पहली प्रॉब्लम ये है कि पुअर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 जो फ्यूल है वो बहुत कम है, 1000 kg में 7 kg. दूसरा क्या है कि जो है भी फ्यूल 7 kg 1000 में वो स्लो न्यूट्रॉन से फिजन होता है, जबकि एक फिजन के बाद जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो 2 MeV के ईच है, जबकि हमें चाहिए 0.025. तो इनको स्लो करना पड़ेगा, स्लो करने का तरीका है मॉडरेटर लगाना. तीसरी दिक्कत क्या है कि एक क्रिटिकल मास होना चाहिए, ये नहीं कि आपने एक पतली सी पेपर के बराबर यूरेनियम दे दिया हमको, पेपर की थिकनेस के बराबर कागज है, बोला कि चलो करके दिखाओ फिजन. नहीं, एक पर्टिकुलर थिकनेस चाहिए भाई कि न्यूट्रॉन उसमें धीमा हो सके, अंदर घुस सके, या तो नहीं निकल जाएगा भाई. न्यूट्रॉन धीमा करने के बाद भी स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना तेज चल रहा है. तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है अभी भी चेन रिएक्शन में. अगली प्रॉब्लम सुनो, मिटा दे इसको, पॉज करके नोट करो. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं, अभी सॉल्यूशन आएगा सबका. अगला प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन अच्छे से मेंटेन कर पाना बहुत टफ चीज है. अगली प्रॉब्लम सुनो क्या है, चौथी है कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिजन. बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फिजन कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा. इसके लिए एक फैक्टर डिफाइंड है के, वेयर के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रेजेंट जनरेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रीवियस जनरेशन. ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन जो प्रेजेंट लेयर है उसमें कितने फिजन हुए कंपेयर टू प्रीवियस वाले में कितने फिजन. इफ के इज इक्वल्स टू 1, बहुत अच्छा, यानी नंबर ऑफ फिजन इन प्रेजेंट जनरेशन is equals to number of fission in previous generation. yani ek fission se ek fission ho raha hai, do fission ho raha hai, iska matlab hua one fission causes one fission. best hamare liye hai na, energy rate of energy liberated
इज कॉन्स्टेंट, एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं, एनर्जी तो बढ़ ही रही लगातार, रेट जो है वो कॉन्स्टेंट है ना. अभी जितने फिजन हुए थोड़ी देर बाद फिर उतने फिजन, फिर उतने फिजन, नंबर ऑफ फिजन इन प्रेजेंट जनरेशन, नंबर ऑफ फिजन प्रीवियस जनरेशन बराबर है, एक से एक, दो से दो, तीन से तीन. K greater than one definitely एक प्रॉब्लम है. इसमें क्या है, वन फिजन causes more than one fission. ये तो दिक्कत है यार. इसमें क्या होगा, इसमें rate of energy liberated क्या हो रहा है, increase करेगा. पहले शुरू में कम energy, फिर उसके बाद और ज्यादा energy, क्योंकि k greater than one है, number of fissions in present generation are more than number of fission in previous generation. पहली बार एक ही fission हुआ, उसके बाद तीन हो रहा है, उसके बाद नौ हो रहा है, problem है. k less than one भी अच्छा नहीं है यार. देखो k less than one का मतलब क्या हो गया, है ना, k less than one भी बहुत अच्छा नहीं है, उसमें भी problem है. k less than one में क्या हुआ, number of fissions in present generation are less than number of fission in previous generation, यानी fission कम होते जा रहे हैं, है ना. इसमें number of fissions are decreasing, इसमें rate of energy liberated क्या होगा, decreasing. इसमें last में क्या होगा, fission बंद हो जाएगा भाई ऐसे तो, k less than one में. ये भी अच्छा नहीं हमारे लिए, ये भी अच्छा नहीं, ये best है. इसमें fission बंद हो जाएगा, number of fission present generation are less than number of fission previous generation. फिशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, प्रेजेंट जनरेशन प्रीवियस से पिछले वाले से कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम. एक टाइम पे फिशन बंद हो जाएगा, तो ना ये अच्छा है ना ये अच्छा भाई. इससे तो आप समझ रहे हो एक्सप्लोजन हो जाएगा. फिशन अगर बढ़ते गए, रेट ऑफ फिशन अगर बढ़ता गया, प्रेजेंट जनरेशन के फिशन पिछले ज्यादा, तो एक्सप्लोजन. तो ये तो हमारे काम का नहीं, ये हमारे लिए बेस्ट है. तो एग्जैक्ट के इक्वल टू वन बनाना बहुत टफ होता है, तो कभी वन से थोड़ा ज्यादा, वन से थोड़ा कम, समझ लो. जब एनर्जी ज्यादा हो रही हो तो वन से कम कर लो, कम हो रही है तो वन से ज्यादा, इसके आसपास हमें बनाना होता है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. सो कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिशन इज अनदर प्रॉब्लम. इतना आसान नहीं है ये काम करना. तो चार आपने मेन प्रॉब्लम पढ़े, डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन समझ में आ गया, कंट्रोल अनकंट्रोल. चार प्रॉब्लम में पहला कि फ्यूल का कंसंट्रेशन खराब है, दूसरा जो फ्यूल है U-235 उसको चाहिए स्लो न्यूट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं फिशन के बाद वो बहुत ही तेज है. तीसरी प्रॉब्लम क्रिटिकल मास की एक पर्टिकुलर लेयर होनी चाहिए, वने न्यूट्रॉन पास कर जाएगा. और चौथी है कंट्रोलिंग दी रेट ऑफ फिशन. अगर ज्यादा हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है. चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ, फुकुशिमा डिजास्टर हुआ, जिसके बाद से पूरे वर्ल्ड ने न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना धीमा कर दिया है. अब वरना आज के टाइम पे हमारी 50% सोर्स एनर्जी का होना चाहिए था न्यूक्लियर, और अभी 10% है. डेफिनेटली इसके पीछे रीजन है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लगातार, एक बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. चेर्नोबिल डिजास्टर आपने सुना होगा, फुकुशिमा का आप पढ़िए. व्हाट यू आर डीलिंग विथ इज अबव मैनकाइंड. बहुत बड़ी चीजें हैं ये, मिटा जाए इसको. जब चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ तो साइंटिस्ट से पूछा गया, रशिया का जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड था, उससे पूछा गया कि इसको कैसे सही करना है. तो उसने बोला, साहब ये पहली बार पूरे ह्यूमैनिटी में हुआ है, हम कैसे पता कैसे सही करना है, कहीं किताब में लिखा थोड़ी ना था ये कि ये भी हो सकता है. पूरी ह्यूमैनिटी में ये एक्सीडेंट पहली बार हुआ इतना बड़ा, इसको हम सही नहीं कर पाएंगे. खैर, सो कमिंग बैक टू ऑन अ पॉजिटिव नोट, कमिंग बैक टू न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर हेडिंग लगाएं, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है. इसका खूबसूरत सा चित्र बनाएंगे, फिर अलग अलग पार्ट का फंक्शन समझेंगे. आप भी मेरे साथ चित्र बनाइए, बड़ा मजा आएगा. तो सबसे पहले कोर बनाते हैं इसका, धीमे धीमे बनाते हैं. सबसे पहले कोर बनाते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो आई होप आपने भी बना लिया होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मेन काम है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब वो कैसे करता है इसको धीमे धीमे समझते हैं। यहां पे आपको जो पार्ट दिख रहा है ये इसका मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं कोर। यही सब कुछ होना है, फिजन इसी के अंदर होगा। ये लगे हैं फ्यूल रॉड, फ्यूल रॉड मतलब यूरेनियम जो फिजन होगा। ये डॉट 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 जो दिख रहा है ये है मॉडरेटर। ये मॉडरेटर, मॉडरेटर का क्या काम है भाई? फिजन के बाद जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बहुत तेज चलते हैं, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। तो मॉडरेटर उसको स्लो डाउन करता है कि भैया धीमे हो जाओ, तुम्हें आगे भी तो फिजन करना है भाई। फिजन तो थर्मल न्यूट्रॉन से होगा, तो मॉडरेटर का काम है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो कर देना कि चेन रिएक्शन हो सके। ठीक, अभी और समझेंगे इन डिटेल। ये लगा है कंट्रोल रॉड, 1 2 3 फ्यूल रॉड के बीच बीच में। कंट्रोल रॉड का काम होता है रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करना, कि फिजन ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमे। कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर का काम अलग अलग है, भी लिख के समझाएंगे। ठीक है, फिजन के रेट को संभालता है। ये डॉट 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 ये क्या है? अगल बगल जो पाइप में घूम रहा है ये है बच्चों कूलेंट। कूलेंट का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां अंदर फिजन हुआ, फिजन से निकली ढेर सारी एनर्जी। अब इस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाओगे? ये तो हीट एनर्जी है। तो कूलेंट क्या करता है कि यहां से सारी हीट एनर्जी को सक कर लेता है। यहां से कूलेंट आया इधर, यहां से आया इधर, सारी हीट एनर्जी को यहां से सक करता 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 यहां से निकल गया हीट लेकर। अब यहां जो कूलेंट आ रहा है ये बड़ा गर्म कूलेंट है, 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, समझ लो। यहां से ठंडा कूलेंट आया, अंदर फिजन वगैरह हुआ, उससे हीट एब्जॉर्ब किया, यहां से कूलेंट जाने लगा गर्म होकर। अब ये गर्म कूलेंट आया इस चैम्बर में जो कि है बॉयलर। अब बॉयलर में क्या हुआ कि अंदर पानी भरा हुआ है, कूलेंट आया 500 600 डिग्री सेल्सियस पे, ये पानी को गर्म कर देगा। ये जो वाटर है इसने कूलेंट से हीट एब्जॉर्ब किया, गर्म हो गया, गर्म हो के स्टीम बन गया। अब स्टीम उठी 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 और इस चैम्बर में आ गई। इस चैम्बर में स्टीम ने क्या किया? टर्बाइन को रोटेट किया, इसको गोल गोल घुमाया। अच्छा, टर्बाइन जब रोटेट हुई तो इसके साथ एक कॉइल रोटेट हुआ, आर्मेचर कॉइल। ये तो समझ गए होगे ना, एसी जनरेटर ऐसी तो बनता है। जब ये कॉइल रोटेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। जब कॉइल घूमेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल में से पास कर रही हैं वो चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर आपने पढ़ रखा है ना ईएमआई चैप्टर में, कि जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी लगातार, कभी ज्यादा होंगी कभी कम, फिर ज्यादा फिर कम, तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर क्या हुआ, ये जो स्टीम टरबाइन को घुमा रही थी ये खराब थोड़ी ना हो जाएगी। इस स्टीम को हमने लिया और इस स्टीम वाले पाइप के ऊपर ठंडा पानी सर्कुलेट किया, इसको बोलते हैं कंडेंसर। वाटर, कोल्ड वाटर इन कोल्ड वाटर आउट, इसके ऊपर कंडेंसर, स्टीम को कंडेंस किया, स्टीम को कंडेंस किया, वापस वाटर बना लिया। यहां से स्टीम वापस आई, इसके पाइप के ऊपर हमने ठंडा पानी सर्कुलेट कर दिया, ठंडे पानी से क्या हुआ स्टीम ठंडी होके वापस वाटर बन गई। फिर वाटर को वापस बॉयलर में डाल दिया, बॉयलर में वाटर वापस गया, कूलेंट से फिर हीट एब्जॉर्ब किया, फिर स्टीम बना, फिर टरबाइन घुमाया, कॉइल घुमा, करंट बना। अच्छा, कूलेंट का क्या हुआ? कूलेंट यहां से गर्म कूलेंट आया, हीट लॉस हो गई, क्यों? क्योंकि पानी ने एब्जॉर्ब कर ली भाई, ये जितनी हीट वहां से लेके आ रहा था पानी ने एब्जॉर्ब कर ली। ठंडा कूलेंट यहाँ आया, यहाँ पंप लगा दिया हमने, पंप से वापस कूलेंट को इधर भेजा, कूलेंट इधर गया, यहाँ अंदर फिजन चल रहा है, कूलेंट ने हीट एब्जॉर्ब की, फिर गर्म कूलेंट गया, पानी गर्म किया, स्टीम बनी, टरबाइन घुमा, स्टीम ठंडी हुई, पानी, ये पूरा प्रोसेस। क्लियर है? एक दो बार इसी को रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अब फंक्शन समझते हैं एक पॉइंट पार्ट का। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल रॉड की, तो फ्यूल रॉड पे तो बहुत चर्चा करनी नहीं है। फ्यूल रॉड आपको पता है किसका बनाते हैं? यूरेनियम 235 का। क्यों? क्योंकि ये फिजाइल है और फिजाइल किससे है? ये भाई स्लो न्यूट्रॉन होता है, इसके बारे में तो सब कुछ पता है। इसके बारे में आपको पता है कि अगर आपको किसी तरह से 1 न्यूक्लियस मिल जाए इसका तो यू विल गेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में पता है कि फ्यूल है। हाँ, थोड़ा दिक्कत है इसको ऑप्टेन करने में, तो इसकी मेटलर्जी बढ़िया से करनी चाहिए, है ना, इसको ऑप्टेन करना पड़ेगा क्योंकि 1000 किलो में 7 ही किलो है नेचुरल यूरेनियम में। तो ये हो गए इसके फ्यूल रॉड, डेफिनेटली क्रिटिकल मास से ज्यादा के लेते हैं हम, मोर देन क्रिटिकल मास। क्लियर? मिटा रहे, एक एक मिटाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट इज मॉडरेटर।
second is moderator. Now what is the function of moderator? The function of moderator, moderator slows down the fast moving neutrons to thermal energy so that they can cause fission. ठीक है, आपने भी पढ़ा था क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन होता है जाके यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करता है, फिर तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं. अब ये जो तीन न्यूट्रॉन नए निकलते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, करीब करीब 2 MeV तक होती है. पर आपको फिशन के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए होता है उसकी एनर्जी आपको 0.025 ev चाहिए, है ना. आपको कैसा न्यूट्रॉन चाहिए होता है? थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए होता है. और यूरेनियम से कैसा निकलता है? 2 MeV ईच वाली एनर्जी, सबकी एनर्जी 2 MeV. तो मॉडरेटर का काम होता है कि इन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना. कैसे करता है यार मॉडरेटर? कोई चीज ऐसी नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं. पानी ले लिया, हैवी वाटर ले लिया, ग्रेफाइट ले लिया, इनके मॉलिक्यूल्स हैं. अब न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ से मान लो तेज न्यूट्रॉन निकले, खूब स्पीड में यहाँ से न्यूट्रॉन निकले, है ना, यहाँ से खूब स्पीड में मान लो न्यूट्रॉन्स निकले, अगल बगल मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से वो टकरा गए. टकराने से क्या होगा? टकराने से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना भाई. मान लो कोई बंदा बहुत तेजी स्पीड में आ रहा है, उसको भीड़ में डाल दो, भीड़ में डाल दो कि क्या होगा, टकरा टकरा के उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो कोलिजन्स होते हैं, सिंपल, है ना. सो मॉडरेटर के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. मॉडरेटर के लिए यूज करते हैं हम वाटर, मॉडरेटर के लिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर, या मॉडरेटर के लिए हम यूज करते हैं ग्रेफाइट. भारत में हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो अप्सरा रिएक्टर है, सबसे पहला रिएक्टर, उसमें वाटर यूज किया जाता है. H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. वाटर के मॉलिक्यूल से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जाके टकराता है, उसकी स्पीड धीमी हो जाती है. फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है और धीमी, फिर तीसरे से, ऐसे भीड़ में टकराते टकराते स्पीड धीमी, फिर फिशन के लिए वो तैयार हो जाता है. ठीक है, तो जो अप्सरा रिएक्टर है हमारा, जो अप्सरा रिएक्टर है बार्क का, मैं कोशिश करूंगा यहां जाने की, यहां का एक वीडियो बनाने की, वो यूज करता है वाटर को एज मॉडरेटर, H2O. और बचे हुए जितने भी रिएक्टर हैं भारत के, भारत में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो बचे हुए जितने भी रिएक्टर हैं सब हैवी वाटर यूज करते हैं, D2O. ठीक है, अब जो चेरनोबिल था, चेरनोबिल सुना होगा आपने, चेरनोबिल डिजास्टर बहुत फेमस है, वहां पे ग्रेफाइट यूज हुआ था एज मॉडरेटर. देखा गया था बाहर ग्रेफाइट पड़ा हुआ था, तो वहीं से पता चला था कि कोर टूट गई है उसकी, पूरी कोर बस्ट कर गई थी, बाहर ग्रेफाइट के टुकड़े पड़े हुए थे. ठीक, तो ये वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट या कार्बन, इसको हम यूज करते हैं टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन. और प्रोसेस बड़ा सिंपल है, भीड़ में छोड़ दो तेज लोगों को, लड़ते लड़ते स्पीड धीमी हो जाएगी, ये मॉडरेटर है. मिटा रहे इसको, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को धीमा करने का काम मिटा रहे, बहुत बढ़िया. अच्छा, नेक्स्ट इज कंट्रोल रॉड. कंट्रोल रॉड, तो बच्चों कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? इनका काम होता है टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिशन. सो टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिशन, मतलब बेसिकली ये कोशिश करते हैं, they are used to maintain K value near unity. K याद है ना, number of fissions in present generation divided by number of fissions in previous generation. तो हम चाहते हैं K की value करीब करीब unity रहे, control rod ऐसा करते हैं. तो कैसे करते हैं, होते क्या हैं? These are made up of neutron absorbing material. ठीक है, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल के बनते हैं. अब क्या किया जाता है, मान लो फिशन का रेट बहुत ज्यादा है,
ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा बन रही बढ़ रही है, तो कंट्रोल रॉड को हम नीचे डाल देते हैं। नीचे डालने से क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फिशन का रेट कम हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से 100 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, आपने रॉड को नीचे कर दिया, तो 100 में से 90 उसने एब्जॉर्ब कर लिए, अब 10 ही जा रहे हैं ना। रॉड को आपने नीचे कर दिया, यहाँ तक रॉड आ गया, अब 10 ही न्यूट्रॉन आगे जा रहा है ना। आपने और नीचे कर दिया, 95 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, नीचे सिर्फ 5 न्यूट्रॉन जा रहे हैं। कम न्यूट्रॉन जाएंगे तो फिशन का रेट कम हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। फिजन का रेट मान लो धीमा हो गया, फिजन हो ही नहीं रहा, बहुत धीमे, इलेक्ट्रिसिटी उधर बनी नहीं रही है, पानी उबल ही नहीं रहा, हम बैठे हुए हैं, कब उबलेगा कब उबलेगा, अरे भैया हीट ही नहीं बन रही है, फिजन ही नहीं हो रहा। तो कंट्रोल रॉड को ऊपर कर लो, कंट्रोल रॉड को जैसे ही खींच के ऊपर करेंगे, यहाँ न्यूट्रॉन्स जाके आगे फिजन करने लगेंगे। सो दे कैन कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, दीज आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स, है ना। इफ रेट ऑफ फिजन goes down, अगर rate of fission धीमा हो गया है तो क्या करो, control rod को ऊपर खींच लो या goes up कर लो। rate of fission goes अब बहुत तेज हो रहा है fission, so control rods are lowered and vice versa, समझ। रेट ऑफ फिजन अगर बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज फिजन हो रहा है, बहुत एनर्जी बन रही है, पानी बहुत उबल रहा है, तो क्या करो, कंट्रोल रॉड को नीचे कर दो, न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। न्यूट्रॉन जा रहे थे अगले वाले उस पे यूरेनियम पे फिजन करने कूद रहे थे, तब तक बीच में कंट्रोल रॉड आके न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर गया। अच्छा, अब ये मैनुअली नहीं होता, सेंसर लगे होते हैं, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दिया, टेम्परेचर सेंसर, और उससे इसको कनेक्ट कर दिया कंट्रोल रॉड को, है ना। दे आर कनेक्टेड विद सेंसर, दे आर connected to temperature sensor क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है एक लिमिट के ऊपर, तो ये समझ जाता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो कंट्रोल रॉड नीचे आने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर फॉल करने लगता है तो समझ जाता है हीट नहीं बन रही है, तो कंट्रोल रॉड ऊपर चला जाता है कि भैया फिशन बढ़ा दो। समझे कितना बढ़िया, पूरा ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि कोई इंसान बैठ के ऐसे कंट्रोल रॉड नीचे ले जाएगा ऊपर, ऑटोमेटिक है, पूरा कंप्यूटर से प्रोग्राम्ड है। उसने कंप्यूटर ने देखा कि भाई जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया, अरे भाई अब तो दिक्कत होने वाली, तुरंत कंट्रोल रॉड को नीचे कर दिया कंप्यूटर ने। देखा नीचे करते करते देखा 500 हो गया, अब रोक दो, बस अब होने दो फिजन। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि टेम्परेचर गिरते गिरते मान लो 300 चला गया है, अब 300 टेम्परेचर भी कम है, तो उसने कंट्रोल रॉड को ऊपर उठा लिया। तो इस सेंसर से अपने आप कनेक्टेड होता है और ऑटोमेटेशन पे चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है। कंट्रोल रॉड किसका बना होता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बना होता है, लाइक बोरॉन यूज होता है, लाइक कैडमियम यूज होता है, लाइक हैफनियम यूज होता है, ये होता है कंट्रोल रॉड का मटेरियल, बोरॉन कैडमियम या हैफनियम, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। क्लियर है इनका काम, रेट ऑफ फिजन कंट्रोल करना, फिजन का रेट ज्यादा हो रहा है तो नीचे कर दो, कम हो रहा है तो ऊपर। मिटा रहे, ये हुआ कंट्रोल रॉड। नेक्स्ट इज कूलेंट, नेक्स्ट इज कूलेंट, फोर्थ नंबर पे कूलेंट। फर्स्ट हो गया फ्यूल, फिर हो गया मॉडरेटर, फिर कंट्रोल रॉड, अब कूलेंट। तो बच्चों कूलेंट का काम क्या है, बता ही चुके हैं, कूलेंट सर्क्यूलेट्स अराउंड कोर इन 2-3 लूप्स, ठीक है। इसमें आप दिखा नहीं पाए, हम एक ही लूप नहीं होता, 2-3 लूप बनाए जाते हैं कूलेंट के, से पाइप 2-3 बार लपेटा जाता है, 2-3 लूप्स, एंड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम फिजन एंड कैरीज दिस हीट टू बॉयलर टू हीट वाटर। क्लियर, कूलेंट का काम क्या है, यहां से हीट लो और लेके जाओ पानी को हीट करो, ये काम है। तो कूलेंट क्या क्या यूज होते हैं बच्चों, तो कूलेंट सबसे जो इजिली अवेलेबल है वो हमारे पास वाटर है। और क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है कूलेंट की तरह। और क्या यूज होता है, एयर भी यूज होती है एज कूलेंट। और क्या यूज होता है, लिक्विड सोडियम भी यूज किया जाता है एज कूलेंट। तो ये सारे कूलेंट मटेरियल हैं। कूलेंट का काम क्या है,
कूलेंट का ये काम है कि हीट को बढ़िया से एब्जॉर्ब करना और बढ़िया से रिलीज करना और टेम्परेचर जल्दी ना बढ़े. तो इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये ना हो कि उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ गया है, खूब सारी हीट ये एब्जॉर्ब कर ले और उसका टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े. ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से खूब सारी हीट भी ले ले फिर भी टेम्परेचर ना बढ़े. तो वाटर सबसे बढ़िया कूलेंट है जो भारत के रिएक्टर्स में यूज होता है. बाकी कूलेंट भी आप यूज कर सकते हैं. कूलेंट का फंक्शन समझ में आ गया, आप सब समझ में आ गया. यूरेनियम फ्यूल रॉड क्या करता है, फिजन करता है भाई, इसी में फिजन होता है, इसी में न्यूट्रॉन घुसता है. अच्छा फिर क्या है दूसरी चीज, मॉडरेटर. अब यहाँ से फिजन होने के बाद जो न्यूट्रॉन निकले बहुत हाई एनर्जी के हैं, तो मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, एनर्जी कम होती है, फिजन आगे बढ़ता है. मॉडरेटर कंट्रोल नहीं करता रेट को, मॉडरेटर की वजह से ही फिजन हो रहा है, समझो. कई बच्चे सोचते हैं कि मॉडरेटर कंट्रोल लॉट सेम है, नहीं, मॉडरेटर की वजह से फिजन हो रहा है. मॉडरेटर ना हो तो न्यूट्रॉन्स जो निकले हाई स्पीड में हो, बहुत हैवी एनर्जी के हो, आगे फिजन ना हो पाए. तो मॉडरेटर स्लो करता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को. मॉडरेटर के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर, हैवी वाटर और ग्रेफाइट. उसके बाद कंट्रोल लॉट है, इनका फंक्शन क्या है, रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करना. न्यूट्रॉन को बंद कर दो या न्यूट्रॉन को जाने दो, किससे बनता है ये, बोरॉन, कैडमियम या हैफनियम से. उसके बाद कूलेंट आ गया जो हीट को एब्जॉर्ब करके जाएगा, वाटर को बॉइल करेगा. कूलेंट क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर या लिक्विड सोडियम है. इसके बाद की चीजें तो आप समझ ही गए हो. तो ये पूरी कहानी थी न्यूक्लियर रिएक्टर की. आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया. एक चीज और है कि इस पूरे को ना बंद किया जाता है एक बड़े से कंटेनमेंट में. लिख देते हैं उसको भी, नोट कर लिया, इसको लिख देते हैं. फिफ्थ पार्ट, क्या है, कंटेनमेंट. अब क्या करते हैं हम, ये जो कोर होता है इसको हम कवर कर देते हैं करीब 1 मीटर थिक कॉन्क्रीट में. द कोर इज कवर्ड इन अ मीटर थिक कॉन्क्रीट और स्टील. ठीक है, ये जो कोर है इसको 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक, इतनी थिक, इतनी मोटी दीवार, इतनी मोटी दीवार चुनवा दी एकदम दीवार के अंदर, है ना, इतनी मोटी, इतनी लंबी नहीं, इतनी मोटी दीवार से पूरी तरह से घिरवा देते हैं, मोटी सी दीवार. ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि कोर में से हार्मफुल रेडिएशंस निकल रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये निकल रहे हैं. तो उसको रोकने के लिए हम एक मीटर थिक दीवार इसके अगल बगल बना देते हैं. किस लिए बना देते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पे, टू प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशंस, है ना. पर ऐसा नहीं कि बहुत कारागार होगा, 1 मीटर थिक से काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता. बहुत रिस्क होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने के. जितने भी वहाँ पे वर्कर होते हैं वो लेट के एप्रन पहने होते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में उनको कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि गामा रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होते हैं. इंडिया तरक्की कर रहा है इस फील्ड में, है ना. अब तक 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया के, 3% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यहां से आ रही है. प्रॉब्लम यही कि बीच बीच में न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर लोग मोर्चा लेके निकल आते हैं कि बंद करो. वो भी पॉइंट भी सही है कि हाँ, ह्यूमन लाइफ एट रिस्क है. लेट्स सी वेयर इट गोस. तो यहीं पे इस टॉपिक करते हैं समाप्त. इसके बाद लेके आएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.